तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HSPT के एग्जाम के रिगार्डिंग में। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि थर्ड एंड फिफ्थ सेम का गाइज एग्जाम कब होगा, एग्जामिनेशन मोड क्या रहेगा, एंड कुछ बच्चे अफवाह फैला दिए हैं क्या उनका एग्जामिनेशन 5 फेब से है, क्या यह सही बात है। एंड गाइज, मैं फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में आप लोगों से बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर का जो सेशनल पेपर, इट मीन्स असाइनमेंट पेपर भी बोल सकते हैं गाइज, वो 1 फेब से स्टार्ट होने वाला है। क्या उनका मोड रहेगा, क्या HSPT बोर्ड फर्स्ट ईयर वाले बच्चे के साथ क्या धांधली कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, मैं सारा कुछ आपको डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक गाइज वॉच करना है। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी फ्रेंड्स प्लीज़ प्रेस कर देना, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप नेक्स्ट टाइम में देख सको। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, मैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर के बारे में डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, जो भी बच्चे HSPT के हैं, जो बच्चे का रीअपियर फर्स्ट ईयर में है, वो बच्चे 2018 या 2019 बैच के हैं, या न्यूली बच्चे हैं जिसका एडमिशन अभी अभी 2020 में हुआ है गाइज, उनका फर्स्ट सेशनल, इट मीन्स फर्स्ट असाइनमेंट भी आप इसे बोल सकते हैं, वो 5 के 1 से 8 तक चलेगा। ये कॉलेज, ये सारा जो एग्जामिनेशन का जिम्मेवारी अपने कॉलेज अपने आप ले रही है। HSPT बोर्ड ने सारे कॉलेज को नोटिस पब्लिश कर दिया है कि आप एग्जामिनेशन फरवरी में आप ले सकते हो 1 से 10 के बीच में। तो गाइज, ये आपका जो फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में कोई नोटिस आपके वेबसाइट पे नहीं आएगा। गाइज, मैं बता दूँ कि जिस बच्चे का रीअपियर है फर्स्ट ईयर में, जो 18-19 बैच का है, तो प्लीज़ वो स्टूडेंट अपने कॉलेज में संपर्क करेंगे, वेबसाइट मत विजिट कीजिए। आपके कॉलेज में अपने प्रिंसिपल, HOD या कोई भी टीचर हो, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके फर्स्ट सेशनल दे, ताकि आपका री क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, अब मैं बता रहा हूँ आपको एग्ज़ाम मोड क्या रहेगा। तो गाइज, बहुत सारे कॉलेजेज ने अपना अपना अलग अलग मोड रखा है, कुछ ने ऑनलाइन, कुछ ने ऑफलाइन रखा है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिस आया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एजुकेशन सोसाइटी मानेसर का गाइज, उनका एग्जामिनेशन मोड ऑनलाइन है। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो कि जो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है मानेसर का, वो टॉप 5 में आता है गाइज, उनका मोड ऑनलाइन एग्ज़ाम का है, बट दूसरे कॉलेज ने अपना एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन क्यों रखा है, ये फ्रेंड्स मुझे भी पता नहीं है। बट हरियाणा के 50% ऐसे कॉलेज हैं जो फर्स्ट ईयर सेशनल ले रहे हैं, वो ऑफलाइन मोड में ले रहे हैं, और बहुत कॉलेज ऑनलाइन मोड में ले रहे हैं। तो प्लीज़, जो भी स्टूडेंट है, वो अपने कॉलेज में संपर्क करें कि उनका सेशनल ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मानेसर का जो सेशनल होने वाला गाइज, वो ऑनलाइन मोड में होने वाला गाइज, वो अपने कॉलेज में जाकर एग्जामिनेशन नहीं देना, अपने घर बैठे PDF के थ्रू या ऑनलाइन जो आपको कॉलेज वाले प्रोवाइड करेंगे, उनसे आपको पेपर असाइनमेंट देना है फर्स्ट ईयर वाले को, बच्चा का। तो फ्रेंड्स, अभी अगर आप दूसरे कॉलेज में हैं, तो प्लीज़ आप कॉलेज से कांटेक्ट करें गाइज। एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झज्जर का एक मेरे पास स्टूडेंट ने ही भेजा है गाइज, देख सकते हैं उनके जो HOD है, उन्होंने बच्चों को बता दिया है, मतलब क्लियर कर दिया है कि आपका भी पेपर का, ये देख सकते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट ऑनलाइन मोड में होगा। गाइज, बहुत सारे कॉलेज ऑफलाइन ले रहे हैं, तो मुझे नहीं पता फ्रेंड्स क्या कुछ इसका सीन है। प्लीज़ आप कॉलेज में कॉन्टैक्ट करें और उन्हें इस नोटिस को आप दिखलाएं गाइज। इस नोटिस को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा, अभी जो बच्चे ज्वाइन नहीं है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप पर। तो फ्रेंड्स, ये नोटिस को मैं वहाँ भी पब्लिश कर दूँगा, और अपने जिस कॉलेज में ऑफलाइन पेपर हो रहा है, वो अपने कॉलेज को फॉरवर्ड करें, अपने प्रिंसिपल को फॉरवर्ड करें इस नोटिस को, ताकि उसे पता लग सके कि अदर कॉलेज इस कोरोना सिचुएशन में, इस पैनमेटिक सिचुएशन में पेपर अपना ऑनलाइन मोड ले रहा है। जैसे कि सोनीपत हो गया, लिसाना हो गया गाइज, एंड बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, मेरे पास नोटिस स्टूडेंट का आया है कि सर, मेरा कॉलेज तो ऑफलाइन ले रहा है, अब हम क्या करें, बिहार, UP, नेपाल से, भूटान से कैसे जाए पेपर देने, सेशनल पेपर देने। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस रिगार्डिंग अपने कॉलेज में इस नोटिस को फॉरवर्ड कीजिए, और अपने प्रिंसिपल टीचर को दिखाने का कोशिश करिए गाइज, तब आपका पेपर ऑनलाइन मोड में हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जिसका थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर का जिस बच्चे का एग्जामिनेशन है। तो फ्रेंड्स, जिस जो बच्चे थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के हैं, HSPT बोर्ड के डिप्लोमा, डिफार्मेसी, डिफार्मा, अदर कोई सा भी और टेक्निकल, नॉन टेक्निकल कोर्स कर रहे हो गाइज HSPT बोर्ड से, तो उनका पेपर फ्रेंड्स टेंटेटिव में बता दूँ 5 फेब को नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था कि सर, मेरे कॉलेज वाले, प्राइवेट कॉलेज वाले ने 5 फेब से पेपर डाक रखा है, मैं कैसे दूंगा। तो गाइज, ऐसा वहाँ पे आप मत जाए, मत उड़े, आपका पेपर जैसे ही कुछ होगा तो आपके वेबसाइट पे, इसी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन कॉलेज नहीं, HSPT बोर्ड लेगा। तो गाइज, जैसे ही कुछ होगा नोटिफिकेशन इस पर आ जाएगा, मैं भी आपको अपडेट दे दूँगा।
तो फ्रेंड्स अभी आपका पेपर नहीं होगा, लास्ट ऑफ फेब में आपका पेपर होने का चांसेज है और पेपर मोड ऑफलाइन रहेगा गाइज, और कोई सिलेबस में कटौती नहीं की जाएगी। अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं है कि आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मन लगा कर पढ़ें, आपका एग्जामिनेशन मोड ऑफलाइन ही रहने वाला है। जैसे कि आप अभी देख सकते हो, जैसे आपका सीनियर का जो बच्चे री अपीयर के पास आउट है, उनका भी पेपर ऑफलाइन मोड में ही हुआ है और कोई डिस्काउंट नहीं है उनके पेपर के अंदर। तो आई होप फ्रेंड्स प्लीज आपको ये नोटिस समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।